मिष्टी दोई मटका एक प्रमुख नगर में भारत अपार्टमेंट्स नाम की एक रेजिडेंशियल कॉलोनी थी। उस कॉलोनी का प्रेसिडेंट था शिवपुरी नाम का व्यक्ति। उसकी पत्नी थी तनुजा और बच्चे थे पंकज और प्रेमा। उस कॉलोनी को आसपास के लोग मिनी इंडिया कहकर बुलाते थे। इसकी वजह ये थी कि उस कॉलोनी में देश के हर राज्य के लोग रहते थे। एक दिन नटराजन नाम का एक तमिल व्यक्ति चिल्ला रहा था, वॉचमैन वॉचमैन। तब वॉचमैन बहादुर वहां पहुंचा। अरे यन्नड़ा दे, वो मार्गरेट का कुत्ता लिफ्ट में शिट करके पूरा लिफ्ट खराब कर दिया। नहीं अन्न पन रहा है। तब बहादुर, हम क्या करेगा साहब, हम कई बार बोल चुका है साहब, लेकिन वो मेम साहब हमारी बात नहीं सुनता साहब। साहब जी, आप प्रेसिडेंट साहब जी से कह दो और एक मीटिंग अरेंज कर लो, और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं साहब जी, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन प्रगट सिंह नाम के एक पंजाबी के घर उसके बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। बर्थडे केक कट करने के बाद वो और उसके दोस्त मिलकर खूब ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाकर बल्ले बल्ले कहकर नाचने लगे। ये अर्चना कुलकर्णी नाम के महाराष्ट्रीय औरत को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आवाज देने लगी, वॉचमैन वॉचमैन ये क्या हो रहा है, उन्हें तुरंत साउंड बंद करने को कहो, भाई हमें भी यहाँ रहना है ना। तब बहादुर, मेम साहब प्रगट साहब के बच्चे का बर्थडे पार्टी है मेम साहब, ऐसा कहा। तब अर्चना, उन्हें परमिशन किसने दिया इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाने के लिए, वो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, इंजीनियरिंग वो 4 बार फेल हो चुका है, अब उसे शर्म नहीं आती, तुरंत प्रेसिडेंट को कहो कि मीटिंग बुलाए, कहकर वहाँ से चली गई। अगले दिन पटेल नाम का एक गुजराती व्यक्ति अपने बाइक के पास आया और बहादुर बहादुर कहकर आवाज दी। तब बहादुर वहाँ पहुँचा। पटेल, अरे बहादुर तमे बताओ ये केम छे, तुम्हें बाइक साफ करने के लिए कहा था ना, तुम साफ करते हो कि नहीं भाई, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया, एक सवेरे और एक जब मैं वापस आ जाऊं फिर, और एक बार रात को, 3 बार बाइक साफ करना है एक दिन में। मैंने कई बार बोला है कि मीटिंग बुलाओ और वॉचमैन को बदलो, लेकिन प्रेसिडेंट हमारा सुनता का भाई नहीं, कहकर बाइक स्टार्ट करके वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ बोस नाम का एक बंगाली अपने परिवार के साथ भारत अपार्टमेंट्स में आकर रहने लगा। शिवपुरी की पत्नी अनुसुईया प्रेसिडेंट से, क्यों जी, सब रोज कहते रहते हैं ना कि मीटिंग बुलाओ, आप वो मीटिंग क्यों नहीं बुला लेते। तब प्रेसिडेंट, अरे भगवान मुहूर्त तो निकलने दो, तब जरूर बुलाएंगे। तब अनुसुईया, मुहूर्त, अरे मीटिंग के लिए कैसी मुहूर्त। तब प्रेसिडेंट, अरे भगवान अपनी बेटी की शादी तय हो जाए तब हम मीटिंग बुलाएंगे और बिल्डिंग को पेंट करने की बात कहेंगे, तब हमारी बेटी की शादी के टाइम पर ये बिल्डिंग एकदम चमक उठेगा। एक दिन अपार्टमेंट्स के पास प्रेसिडेंट एक कुर्सी लगाकर लेडजर देख रहा था और वो वॉचमैन से, भाई बहादुर ये क्या बात है, लोग मेंटेनेंस के पैसे ठीक से नहीं दे रहे, लेकिन सब शिकायत जरूर करते हैं, कोई मरम्मत की जरूरत हो तो कहते हैं तुरंत करो, कोई कहता है कि लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, कोई कहती है कि 2400 घंटे पानी आनी चाहिए, और तुम कहते हो कि तनख्वाह बढ़ाओ, भाई अब नहीं रहा जाता, सबसे कह दो कि इस इतवार को मीटिंग है, कहकर वहां से चला गया। इतवार के दिन सबको संबोधित करते हुए प्रेसिडेंट, आप सबसे निवेदन है कि बहादुर के पास जो कंप्लेंट बुक है उसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करें। अगले मीटिंग तक सब समस्याएं दूर कर देंगे। तब सबने ठीक है कहा। तब बहादुर अपने आप से, सब कहते रहते हैं मीटिंग बुलाओ और अब मीटिंग में जो प्रेसिडेंट कहता है सब अपना सिर हिलाते रहते हैं बस। तभी प्रेसिडेंट, और 10 दिनों में दिवाली है ना, इस बार अपने अपने घरों में नहीं हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे, उस दिन सब अपने अपने घरों से मिठाई लाइए और सब अपने अपने मिठाई बांटते हैं और खाते हैं और पटाखे चलाते हैं और हम लोगों को साबित करेंगे कि हमें यूं ही लिटिल इंडिया नहीं कहा जाता। ये सुनकर सब खुश हुए। इस तरह भारत अपार्टमेंट्स में सब लोग अपने अपने घरों में दिवाली के लिए मिठाई बनाने लगे। बोस की पत्नी शर्मिला मिष्टी दोई मटका बनाने लगी। उसे बनाने के लिए उसने दही दूध और चीनी का इंतजाम किया। उसने दही को छानकर पानी निकाल लिया। इस तरह दही जमा हो गया। फिर उसने दूध को उबाला। फिर उसने आंच को धीमी करके उसे चलाती रही जब तक दूध का रंग नहीं बदला। फिर उसने दूध में चीनी मिलाया। जब चीनी दूध में अच्छी तरह घुल गया उसे उतार कर अलग रखा।
फिर उसने पैन में चीनी डाला और उसका चाशनी बनाने लगी। उसका कैरेमल बन गया। फिर उसने उस चाशनी को दूध में मिलाया, उस दूध को ठंडा किया, फिर वो दही को फेंटने लगी, फिर उसे दूध के साथ मिलाया, फिर उस दही को उसने मटके में डाला। इस तरह 8 घंटे के बाद मिष्टी दोई मटका तैयार हुआ। सब अपने अपने घरों से मिठाइयां लेकर अपार्टमेंट के लॉन में जमा हुए। शर्मिला बोस सबके लिए अपना मिष्टी दोई मटका लेकर आई। उसे खाकर सबने उसकी खूब तारीफ की। सब कहने लगे कि आज के सब मिठाइयों में मिष्टी दोई मटका ही सबसे बेहतर है। सबने शर्मिला और बोस की खूब प्रशंसा की। प्रेसिडेंट ने बार बार फरमाइश करके मिष्टी दोई मटका खूब चटका। ये देखकर और लोग भी बार बार मांग कर खाने लगे। उस दिन रात को सबने मिलकर दिवाली खूब मनाई। इस तरह भारत अपार्टमेंट्स ने सही मानों में लिटिल इंडिया का नाम कायम रखा।